हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट। 29 और 30 अप्रैल के जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, और हम अपने चैनल को लेकर डेली ग्रो कर ही रहे हैं, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं 30 अप्रैल के हैं और 29 के भी हैं इसमें, तो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद। दोस्तों हमारी ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज और बहुत सारी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, कहाँ है ये? पृथ्वी के ऊपर की तरफ ओजोन लेयर, इसका फॉर्मूला होता है O3। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा छेद था आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में, ये बंद हो गया है लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर का। और ये कैसे बंद हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है सी, पोलर वोर्टेक्स। दोस्तों ध्रुवीय भंवर हम इसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि COVID-19 की वजह से हो गया है, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन नहीं हो रहा है इसलिए ये बंद हो गया, लेकिन नहीं, ये गलत है। पोल्यूशन वगैरह कोई इफेक्ट नहीं था, इस बार जो था वो था पोलर वोर्टेक्स। तो जो वातावरण में हमारे में जो मतलब परिस्थिति बदली उसकी वजह से ये होल भर गया। दोस्तों इसकी पुष्टि 23 अप्रैल 2020 को हुई, ठीक है, और दो रिपोर्ट पेश की गई। जो मैं बताता हूँ, सेंटर, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की दो मौसम संबंधी सेवाओं ने की है इसकी पुष्टि। मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, अच्छा, कोपरनिक्स क्लाइमेक्स सर्विस चेंज और कोपरनिक्स एटमोस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने ताजा गतिविधियों पर कहा कि ये मतलब पहले कभी नहीं हुआ, बहुत अभूतपूर्व है, ठीक है। और जरूरी क्यों है ओजोन परत, क्योंकि ये इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, वायुमंडल में ओजोन लेयर है और सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच है ये, 10 किलोमीटर से 50, ठीक है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, पूरा डूटा पूरी डिटेल बता रहा हूँ। इस वर्ष मार्च में वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार छेद की पहचान की गई थी कि कितना बड़ा होल हो गया है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर का, लेकिन और दक्षिण की तरफ से बढ़ता जाता जा रहा था, यह खतरा साबित हो रहा था, लेकिन अब यह भर गया है दोस्तों। इसकी वजह है पोलर वोर्टेक्स। ध्रुवीय इलाके में ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली ताजी चक्रीय हवाएं पोलर वोर्टेक्स बोलते हैं। जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ हवाएं चल रही हैं उनको बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स। कम दबाव वाली मौसमी दशा के कारण स्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करते हैं। इसे बेहद हल्का चक्रवात कहते हैं। वैज्ञानिकों ने माना है कि परित के भरने की वजह कोरोना वायरस को रोकने के लिए उठाए गए लॉकडाउन जैसे कदम नहीं है, जिससे पोल्यूशन का स्तर काफी कम हुआ है, ठीक है। तो वैज्ञानिक मानते हैं ये पोल्यूशन नहीं है जिसकी वजह से भरा है, इसका मेन रीजन ही पोलर वोर्टेक्स है, मतलब जो हमारे एटमोस्फियर की हवाएं हैं वही इसका रीजन है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, मतलब भारत की तरफ से ब्रिक्स देशों की जो बैठक हुई उसमें किसने पार्टिसिपेट किया। दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, और इन्होंने ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। दोस्तों एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, पूरी मीटिंग वर्चुअल थी, कॉन्फ्रेंस जो थी। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये COVID-19 को लेकर थी जो बैठक थी, ठीक है, और इसका जो भारत में की तरफ से पार्टिसिपेट किए हैं एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने कोरोना की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है। दोस्तों इसका नाम है पिच ब्लैक 2020 और इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास, ठीक है, इसका पूरा नाम है बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास। दोस्तों यह 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाला था और इसको रद्द कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों इसमें कौन कौन थे, यह युद्ध अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया इसको आयोजित कराता है हर 2 साल में और भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं राजनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत हुआ है उस सालों में ही।
तो पूरी डिटेल मैंने इसकी बता दी आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? एक मोबाइल ऐप है, कोविड सेफ नाम दिया गया है, देश की बात हो रही है। इसका सही ऑप्शन है अगेन ऑस्ट्रेलिया। अभी ऊपर वाले का भी ऑप्शन जो आंसर था वो सही था ऑस्ट्रेलिया, और अगेन यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है, ये याद रखना, ट्रैकिंग ऐप और बाकी ऐप में अंतर होता है ट्रैक करने के लिए। इंडिया ने कौन सी की थी? आरोग्य सेतु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा ही जा सकता है। बहुत सारी एप्स लॉन्च हो रही है डेली कोरोना वायरस से रिलेटेड अलग अलग देशों में, भारत में भी अलग अलग तरीके की कोई कोविड वायरस को ट्रैक करने के लिए है, स्टेट वाइज हो रही है, सेंट्रल वाइज हो रही है, तो सभी इंपॉर्टेंट है। अब उनको याद कैसे करना है, आपको याद करने के लिए मैं कोशिश करूंगा आपको अलग से एक वीडियो बना दूं कि ऐप का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नहीं तो अब क्या करें, आप मेरे डेली करंट अफेयर देखते रहिए, जो आप नोट करते हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए, ट्रैकिंग ऐप एक साथ, बाकी ऐप एक साथ, उनको याद कर लीजिए, इंडिया की एक साथ डिवाइड कर लीजिए क्योंकि ये सब इंडिया ने बनाई है, अदर वाली आप अलग से कर सकते हैं। तो इस तरह आप याद करिए दोस्तों, ये ट्रैकिंग ऐप बनाई है ऑस्ट्रेलिया ने, बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, कैपिटल क्या है? कैनबरा। वहां की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के जो पीएम है उनका क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन। आपको एक बात और याद होगी, अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत ही भयानक आग लगी थी जिसके कारण बहुत सारी जो है वाइल्ड लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी वहां की, ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एयरटेल एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी, अब जानते हैं टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी से $1 बिलियन का समझौता किया है? दोस्तों आप जानते हैं अभी प्रेजेंट में जियो जो है वो टेलीकॉम कंपनियों को लीड कर रहा है, मतलब सबसे आगे चल रहा है। उस एयरटेल, वोडा आइडिया, ये सब जो है, वोडा आइडिया तो एक हो ही गए थे पहले ही, ये सब एक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और ब्लास्ट में हमारी बस्ती है नेशनल वाली, हमारी जो राष्ट्रीय है BSNL। दोस्तों अभी क्या है, एयरटेल ने अपने नेटवर्क बचाने के लिए समझौता किया है नोकिया के साथ, नोकिया देश में नेटवर्क को बेहतर बनाएगा एयरटेल के साथ। दोस्तों एयरटेल को 9 सर्कल के लिए एग्रीमेंट किया है जिससे नेटवर्क बूस्ट होगा और एयरटेल के यूजर का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होगा। दोस्तों रोल आउट फ्यूचर में 5G कनेक्टिविटी की बुनियाद रखी जाएगी और अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स पर 3 लाख रेडियो यूनिट्स लगाए जाएंगे, 3 लाख रेडियो यूनिट्स, और 5G कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा एयरटेल की तरफ से। भारतीय एयरटेल के मुताबिक यह डील देश के अलग अलग सर्कल में SRN यानी सिंग रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने के लिए की गई है। कंपनी द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस डील की वजह से फ्यूचर में 5G कनेक्टिविटी का फाउंडेशन भी तैयार होगा इसी डील के बेस पर, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये डील। भारतीय एयरटेल के MD और CEO कौन है? वो है गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। दोस्तों नोकिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी मतलब CEO कौन है? राजीव सूरी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, राजीव सूरी नोकिया के CEO हैं, MD हैं, गोपाल विट्ठल भारतीय एयरटेल के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? दोस्तों देश की बात हो रही है, किस देश ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल नक्शा जारी किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने ये लॉन्च किया है दोस्तों, और डिजिटल नक्शा है पहला। दोस्तों हमें नासा का एक मिशन चल रहा है अल्टमिस, और ये मिशन चल रहा है नासा का। दोस्तों इंडिया का भी एक अभी मिशन रिसेंटली फेल हुआ था चंद्रमा का, तो उसका क्या नाम था? चंद्रयान 2। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है। ये पूरा का पूरा इसरो को खंगाल देगा, मतलब अगर चंद्रयान 2 आया तो पूरा का पूरा इसरो से रिलेटेड सब कुछ आपको नॉलेज में आ जाना चाहिए, उसके चीफ, उसके प्रेसिडेंट, उसकी स्थापना, उसका हेडक्वार्टर, उसका लॉन्चिंग स्टेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके स्थापना के हेड कौन थे। ठीक है, इसरो दिवस कब मनाया जाता है, मतलब A to Z आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो जो मैंने बना रखी है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वहां पर जाकर आप मेरी वीडियो देख लीजिए दोस्तों, उसमें मैंने आपको लगभग 30 ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं, फीफा, इसरो, नासा, आईसीसी, बीसीसीआई और आपके एशियन, ब्रिक्स, G20, G8 सब कुछ मैंने आपको उसमें बता रखा है, जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों भ्रष्टाचार नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल का पाबंद लगाया गया है। ऑप्शन ए उमर अकमल पर, उमर अकमल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, उन पर जो है करप्शन का केस लगा, भ्रष्टाचार का केस लगा, तो 3 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया है वहां के क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने। दोस्तों इसके अलावा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, भारत की जो मध्यम दूरी की मतलब मिडिल जो दूरी है, मिडिल डिस्टेंस की धाविका है झूमा खातून, कौन है? झूमा खातून, ये इंडिया की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं। डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है भारत ने, सॉरी भारत ने नहीं, डोप टेस्ट में फेल होने पर अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो है चैंपियनशिप के दौरान इनका नमूना लिया गया था 2018 में जून में, और लेकिन उस समय राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा की गई जांच का रिजल्ट नेगेटिव आया था। इसके बाद वर्ल्ड की जो है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था नेशनल एंड नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में डिटेल है, तो उसमें वाडा की भी है। कौन है वाडा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो वर्ल्ड में डोपिंग को रोकती है वो है वाडा, और इंडिया की नेशनल है नाडा। दोस्तों जिसमें अब इन्होंने जो की कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित लैब में नमूनों की जांच कराई गई, जिसमें डिहाइड्रोक्लोरोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाई गई और जांच पॉजिटिव आ गई, ठीक है, उसके बाद इन पर 4 साल का पाबंद लगा दिया गया है झूमा खातून पर डोप टेस्ट में फेल होने पर। दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात हो रही है, पूरी वीडियो में आप वहां से डिस्कशन देख सकते हैं, पूरी वीडियो को वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में मैं बता देता हूं, विटोल्ड बाका इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, और इसका मुख्यालय कहां है? मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोप रोधी संस्था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ठीक होने वाले प्रत्येक COVID-19 रोगी को ₹2,000 देने की घोषणा की है? मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो हर रोगी को जो COVID-19 से ठीक हो रहे हैं उनको ₹2,000 देगी। दोस्तों आंध्र प्रदेश बी ऑप्शन की गवर्नमेंट हर COVID-19 के मरीज को ₹2,000 देगी जो ठीक होते जा रहे हैं। दोस्तों अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो आंध्र प्रदेश ने एक नया काम और शुरू किया है, मतलब शून्य ऋण ब्याज योजना। शून्य ऋण ब्याज योजना क्या है? मतलब जो भी उन आंध्र प्रदेश के अंदर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं, मतलब स्वयं सहायता समूह जिन्हें हम बोलते हैं, उनको शून्य ऋण पर ब्याज उपलब्ध कराएगी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। आप इसे एक एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, ठीक है। एडिशनल जानकारी मैं आपको इसीलिए देता चलता हूं, अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है ना पीछे का भी, तो भी मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में उसको याद करा दूं, उसको रिवाइज करा दूं, उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बता दूं। दोस्तों तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों ये ₹2,000 देने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने, और आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बताया, एक और बताता हूं, किस स्टेट ने अपने बुजुर्गों के लिए डोर टू डोर स्टेप पेंशन शुरू की थी, मतलब उनके घर पर उनको पेंशन देके आना शुरू की थी? दोस्तों इसका भी ऑप्शन सही है आंध्र प्रदेश। तो कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बता दिए, डोर स्टेप पेंशन की शुरुआत की थी, घर जाकर पेंशन देना उनके बुजुर्गों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ठीक है दोस्तों OECD की बात हो रही है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया है? अमेरिका का, दोस्तों इसका सही आंसर है मनीषा सिंह, जो भारतीय मूल से हैं। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं और वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है दोस्तों, कहां है? पेरिस में। तो जो भी डिटेल है मैं आपको साथ साथ बता ही रहा हूं, पेरिस में है। इसके बाद इसमें 36 देश शामिल हैं, किसमें?
36 देश शामिल हैं ओईसीडी, ओई जो ऊपर लिखा हुआ है ओईसीडी, इसमें 36 देश शामिल हैं, मतलब आर्थिक सहयोग, ये सहयोग है यहाँ पे, और विकास संगठन दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 35 देशों की एक अंतर स्तरीय संगठन है, और 36वां देश फ्रांस, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में, और आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका ने किसको नियुक्त किया है, मनीषा सिंह को। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी एडिशनल जानकारी देने वाला हूं इसके साथ साथ, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आप ही के सब्सक्राइबर है, आप ही का चैनल है, आप ही ने देखना है। तो हाल ही में भारत ने किस देश को 1,00,000 हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल ग्लव्स भेंट किए हैं, मतलब दस्ताने दिए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को इंडिया ने 1,00,000 टैबलेट और 50,000 ग्लव्स ये दिए हैं। दोस्तों इंडिया ने किस किस को दिए हैं, अमेरिका को दिए थे, पहले मना कर दिया था, लेकिन जब ट्रंप का स्टेटमेंट आया उसके बाद इंडिया ने अमेरिका को दिए, मालदीव्स को दिए, नेपाल को दिए, बांग्लादेश को दे दिए हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, किस किस को दिए हैं। और एक WHO के बारे में बताऊं, WHO की फंडिंग किसने रोकी थी, अमेरिका ने, लेकिन की किसने थी, वो की थी चाइना ने, किसने की थी, चाइना ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल ही रहा है इसके ऊपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले समय में, कोरोना वायरस और WHO तो बस ट्रेंडिंग में ही रहेंगे, एग्जाम में अगर करंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो कोरोना वायरस और WHO से रिलेटेड ही आएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अच्छा अब बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, वहां की जो करेंसी है टका, बांग्लादेशी टका, और वहां की जो PM है शेख हसीना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसे शेयर भी करेंगे। तो कल फिर मिलता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।